हेलो एवरीवन साथियों, बिहार 4 वर्षीय बीएड का फाइनल रिजल्ट जो है ये आ चुका है। अब आगे क्या होगा पूरी रणनीति चर्चा करेंगे। 4 वर्षीय बीएड 2023 को लेकर आपके मन में अगर कोई भी डाउट है तो यह 10 मिनट के अंदर आपका जितने भी डाउट हैं तो सभी डाउट आपका क्या हो जाएगा, आपका सभी डाउट ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या करना है और नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होगा। क्योंकि अगर आप पहली बार फॉर्म भरे हैं 2023 के लिए तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, क्या आगे रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक, कैसे मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक एंगल पे देखेंगे। और जितने भी आपके मन में प्रश्न हैं सभी प्रश्न इस वीडियो के अंदर जो है ये क्लियर हो जाएगा। सभी कॉन्ग्रेचुलेशन सभी क्वालिफाइड बच्चे को, पहले जितने भी क्वालिफाइड बच्चे हैं एक एक करके मैं बात करूंगा, सभी जितने भी बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं तो सभी को मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन्होंने अपार सफलता अपनी मेहनत को रंग लाया और इस इंटीग्रेटेड बीएड में 2023 के लिए अपना रिजल्ट क्या किया, अपना रिजल्ट दिया। और जो बच्चे क्वालिफाइड नहीं हैं, जिनके सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है नॉट क्वालिफाइड, ये आगे क्या करेंगे इनके चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले क्वालिफाइड वाले पे चर्चा करते हैं कि क्वालिफाइड जाले जिनके परीक्षाफल क्वालिफाइड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्वालिफाइड सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है। जो लोग अभी रिजल्ट नहीं देखे हैं वे नीचे डिस्क्रिप्शन में है लिंक है, वहां से जाइए बिहार इंटीग्रेटेड बीएड का, और आपको लॉगिन, ठीक, लॉगिन आपका जो आईडी है, लॉगिन और पासवर्ड के सहारे आप क्या कर सकते हैं, आप अपना खोल सकते हैं जिसके सहारे आपको रिजल्ट देख पाएंगे। रैंक भी जारी हो चुका है कि आपका कितना रैंक है, आपका फर्स्ट रैंक है कि सेकेंड रैंक है कि थर्ड रैंक है, जितने भी रैंक हैं रैंक भी जारी हो चुका है, लॉगिन और पासवर्ड के सारे ही भी आप जान सकते हैं। तो रैंक रैंक कार्ड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो रैंक कार्ड आप अभी डाउनलोड करके रख लीजिए। रैंक कार्ड जो कि जारी हो चुका है अभी, ठीक। तो सबसे पहले आपको जाना है लॉगिन पे। लॉगिन जैसा कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के सहारे भी जाइए, या आपको गूगल पे लिखना है बिहार इंटीग्रेटेड बीएड। आप क्योंकि टीचर बनने वाले हैं भविष्य में, थोड़ा आप खुद एक्टिव रहिए, लिखिए बिहार इंटीग्रेटेड बीएड, क्या लिखिए, बिहार इंटीग्रेटेड बीएड लिखिए, और आपको ऊपर में एक पेज खुलेगा उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस सभी दिखा जाएगा। यहाँ कोई नोटिफिकेशन भी आएगा तो ऊपर में ऐसे ऐसे शो करते रहेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और उस नोटिफिकेशन को आप पढ़ पाएंगे। तो रैंक कार्ड सबसे पहले जारी हो चुका है, रैंक कार्ड जारी कर लीजिए, आप अपने मोबाइल में सेव रख लीजिएगा, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि मोबाइल की रैंक कार्ड को आप कहीं से, क्योंकि आपको काउंसलिंग में आपको काम देगा, ठीक। तो रैंक कार्ड सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए, अपना रैंक देख लीजिए, ठीक। आगे क्या होगा चर्चा करते हैं। तो रैंक कार्ड आप सभी लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ कि रैंक कार्ड आपको लगेगा, रैंक कार्ड आपको रखना है, तो जाइए आप रैंक कार्ड डाउनलोड कर लीजिए वहां से, ठीक। अब आगे क्या होगा, आगे रैंक कार्ड जैसे ही सब कुछ डाउनलोड करते हैं, आप रैंक कार्ड जारी कर लेते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो कि आपको 8 तारीख से ओपन हो रहा है रजिस्ट्रेशन, तो आपको जितने भी सभी क्वालिफाइड बच्चे हैं तो सबको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कब से हो रहा है, यह हमारा 8 जुलाई से हो रहा है, 8 जुलाई से, और यह कब तक चलेगा, यह 15 जुलाई तक चलेगा। कब तक, हमारा 8 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और यह 15 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में वैसे सभी क्वालिफाइड बच्चे जो हैं ये रजिस्ट्रेशन कराना होगा। देखिए रजिस्ट्रेशन क्यों होता है इसकी चर्चा भी आपको पहले जानकारी होनी चाहिए कि रजिस्ट्रेशन आखिर क्यों होता है। रजिस्ट्रेशन आपको इसीलिए कराया जाता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन में जितने बच्चे क्वालिफाइड हैं यानी पास हुए हैं, जिनके सर्टिफिकेट पे क्वालिफाइड लिखे हैं, सबको रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन दिया जा रहा है। कि जो बच्चे इच्छुक हैं, जो काउंसलिंग चाहते हैं, तो काउंसलिंग के लिए आपको, काउंसलिंग के लिए ये रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है कि जिन भी बच्चों जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वही काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। तो 8 जुलाई से 15 जुलाई तक आपकी पूरे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलेगी, ठीक। और उसके बाद 15 तक चलेगी, उसके बाद 16 जुलाई को, आप सुनिएगा, 16 जुलाई को आपको एक वेबसाइट पर एक अपलोड हो जाएगा कि किस बच्चे का, मतलब रैंक के आधार पे किस बच्चे का आपका काउंसलिंग कब है, ठीक। तो कितने तारीख को, 16 तारीख को आपको पता चल जाएगा वेबसाइट पे। वैसे मैं बता दूंगा आप सभी को कि जब भी आएगा काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया मैं आपके साथ हूँ, बता दूंगा। तो ये 16 जुलाई को होगा, ठीक।
तो ये आपको पता चल गया हो कि सबसे पहले आपको प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन 8 जुलाई से 15 जुलाई तक होगी। 15 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। सभी क्वालिफाइड बच्चे जितने भी क्वालिफाइड हैं, ठीक ना, सबको क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाइड जितने भी है सबको रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक। तो उसके बाद ये काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होता है जो कि 16 जुलाई को, 16 जुलाई को आपके वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा कि किन बच्चों का काउंसलिंग डेट कब है। आप अपने अकॉर्डिंग जिस डेट में आपको बुलाया जाएगा उस डेट में आपको जाना होगा। यह काउंसलिंग की प्रक्रिया में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसके चर्चा भी कर लेते हैं थोड़ा, ठीक। सबसे पहले काउंसलिंग होती कहाँ है, हमारा ये काउंसलिंग कहाँ होती है, ठीक। काउंसलिंग जो साथियों होती है ये हमारा दरभंगा, जानते होंगे दरभंगा, जो दरभंगा से बहुत सारे बच्चे हैं भी, ये क्या होगा, ये हमारा जुबली हॉल, जुबली हॉल, जुबली हॉल, ये हमारा जुबली हॉल जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, ललित क्या, ललित नारायण नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, ठीक, यूनिवर्सिटी मिथिला यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं LNMU, क्या कहते हैं, LNMU, LNMU, तो LNMU के नाम से जानते होंगे। इसमें एक जुबली हॉल है, जुबली हॉल है। जैसे ही आप LNMU के कैंपस में आएंगे, LNMU के कैंपस में आएंगे, आप किसी से भी पूछेंगे कि जुबली हॉल जाना है, जो कि मनोकामना मंदिर, मनोकामना मंदिर है, ठीक। वो मनोकामना मंदिर के जस्ट थोड़ा साइड में आपको एक जुबली हॉल है, तो आप मनोकामना मंदिर भी किसी से पूछते हैं मनोकामना मंदिर, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, मनोकामना मंदिर, मनोकामना मंदिर दरभंगा जो है उसके जस्ट बगल में आप किसी से पूछेंगे कि मुझे जुबली हॉल जाना है तो जुबली हॉल आपको बता दिया। मनोकामना मंदिर फेमस है, दरभंगा का मनोकामना मंदिर, यह यूनिवर्सिटी के कैंपस में है। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी के कैंपस में आना पड़ेगा। सबसे पहले कहाँ आना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी के कैंपस में। आप कहीं से भी आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर से हो, पटना से हो, आरा बक्सर, कहीं से भी हो, तो सबसे पहले आपको आपको यूनिवर्सिटी में कैंपस में आ जाना है, LNMU, कहना है कि मुझे LNMU मिथिला यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाना है, ठीक। 16 तारीख को जो अपलोड हो जाएगा, उसके बाद आपका जो प्रक्रिया है, यह काउंसलिंग जो है यह आपका 18 जुलाई से चलेगा। काउंसलिंग कब से चलेगा, 18 जुलाई से, और यह हमारा कितना तक चलेगा, 18 जुलाई से लेकर हमारा यह 21 जुलाई तक चलेगा। कितना चलेगा, 18 से क्या चलेगा, यह हमारा 18 जुलाई 2023 से हमारा यह क्या चलेगा, हमारा यह 21। आगे बढ़ेंगे भी, ये बाद की बात है, लेकिन काउंसलिंग की जो पूरी प्रक्रिया चलती है यह 9:30 बजे से चलती है, 9:30 AM से, ठीक। तो इतना हो गया, मैं आपको ये भी बता दिया कि कैसे आना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर आपका फर्स्ट डेज अगर काउंसलिंग होता है फर्स्ट डेज ही, तो सबसे पहले आपको LNMU मिथिला यूनिवर्सिटी के कैंपस में आ जाना है। उसके बाद आपको मनोकामना मंदिर के पास आ जाना है। मनोकामना मंदिर के जस्ट 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर मनोकामना मंदिर जैसे ही आप आएंगे तो 2 मिनट के अंदर आपको जुबली हॉल मिलेगा। 1 घंटा 1.5 घंटा कोशिश करेंगे कि आप पहले आएंगे, जरूर आएंगे 2 घंटा पहले, अगर 9:30 बजे से अगर स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका लेट हो गया तो 12 बजे नहीं आएंगे, आएंगे जरूर सभी लोग, जिनका फर्स्ट डेट में आएगा सभी लोग आना है, ठीक ना। तो ये जो है ये सभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये सभी आपको मनोकामना मंदिर के पास, ये सब तो बातें हम बाद में भी चर्चा करेंगे कि कैसे क्या करना है। तो आगे जो हमारा आगे प्रोसेस होगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि हमारा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो डॉक्यूमेंट्स में जो है आपका लगता है आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट। उसके बाद अगर आप कैटेगरी वाइज, जैसे अगर OBC हैं तो जनरल वाले को तो नहीं, लेकिन OBC हैं, SC हैं, ST हैं, या किसी कोटा के तहत गए हैं, इसके साथ साथ आपको इंटीग्रेटेड बीएड का, इंटीग्रेटेड बीएड का आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एडमिट कार्ड रहना पड़ेगा, एडमिट कार्ड, ठीक, एडमिट कार्ड, इसके साथ साथ फोटो, और इसका मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लेकर जाना है, लेकिन मुख्य रूप से ये सभी आपको काउंसिलिंग के दिन लेकर जाना है। ये शादी हो गई, स्थान भी मैंने बता दिया कि जुबली हॉल कहाँ हो गया, जुबली हॉल जो कि जहाँ आपको, जुबली हॉल जहाँ आपकी काउंसलिंग होगी, जुबली हॉल क्या होगा, जुबली हॉल LNMU कैंपस, LNMU कैंपस, LNMU कैंपस, ठीक। जब भी आपको रैंक कार्ड जारी होगा, जैसा कि हो चुका है, और उसके बाद आपको यहाँ नीचे में भी आपको नीचे लिखा रहेगा जुबली हॉल, देख लीजिएगा जब रजिस्ट्रेशन कराइएगा तो नीचे आपको, वैसे रैंक कार्ड भी अगर आप अभी जारी कर रहे होंगे तो आपको नीचे में जुबली हॉल शो कर रहा होगा,
ठीक। तो जुबली हॉल आप जाकर आप कर सकते हैं, आपके काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया होगी। यहाँ आप काउंसलिंग में कैसे होता है, काउंसलिंग की बताते हैं। काउंसलिंग में जाने से पहले आपको कुछ बातें आपको जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है कि सबसे पहले इसमें दो कोर्स चल रहे हैं, बीए बीएड, इस बात को याद रखिएगा, बीए बीएड, और एक चलता है आपका बीएससी बीएड। क्या चलता है, एक चलता है बीए बीएड और दूसरा चलता है बीएससी बीएड। तो आपको ये जो टीम मेंबर रहते हैं तो सभी कॉलेज के रहेंगे, जैसे बिहार में चार कॉलेज चल रहे हैं, तो एक कॉलेज, दो कॉलेज, तीन कॉलेज और चार कॉलेज। ठीक, चारों कॉलेज के आपके एक दो तीन चार, चार आपके इसमें सभी कॉलेज के दो से तीन लोग रहते हैं, दो से तीन लोग रहते हैं। तो आपको रैंक के आधार पे, मान लीजिए आपको हिंदी लेना है, क्या लेना है, हिंदी, ठीक, तो इतना सीट आपको शो करेगा कि नहीं हिंदी में, एक कॉलेज में 10 सीट है, 20 सीट है, ठीक, एक कॉलेज में 10 सीट है, ठीक। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको फर्स्ट डे जाते हैं तो आपको हिंदी चूज करना है, अगर आप हिंदी लेना चाहते हैं, किसी को इंग्लिश लेना चाहते हैं तो इंग्लिश हो जाएगा, किसी को बॉटनी, किसी को जूलॉजी। इस प्रकार आप अपने मन से, यानी ये सभी आपको सोचकर जाना होगा, ऐसा नहीं कि वहां डिसीजन लीजिएगा, वहां डिसीजन नहीं ले पाएंगे आप, क्योंकि तो आपको आधा घंटा एक घंटा के अंदर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आप पहले सोच लीजिए कि मुझे बीए बीएड करना है कि बीएससी बीएड करना है, अर्थात मुझे आर्ट से आगे पढ़ना है या साइंस से पढ़ना है, ठीक, क्योंकि 4 साल पढ़ना पड़ेगा वो सब्जेक्ट। इसीलिए आप अभी से सोच के रखिएगा, अभी आपके पास पर्याप्त समय है। 16 जुलाई को जो हमारा ये पूरा शेड्यूल निकलेगा, 16 जुलाई को, ठीक, अभी आपके पास बहुत सारे समय है। आप सोच लीजिए कि मुझे बीए बीएड करना है कि बीएससी बीएड। अगर आप बीए बीएड करना है तो मुझे कौन सा पेपर रखना होगा, हिंदी रखे, इंग्लिश रखे, संस्कृत रखे, क्या रखे, बीएससी है तो क्या रखे, मैथ रखे, जूलॉजी रखे, बोटनी रखे, क्या रखे, ये सभी आपको सोचकर आपको पहले से तैयार रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर एक हर एक बात को मैंने क्या क्या इस वीडियो में जिक्र किया एक बार चर्चा कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन को मैंने बात किया कि रजिस्ट्रेशन आपका चलेगा, रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होगी ये हमारा 8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक चलेगा, 8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक चलेगा। इसके साथ साथ आपकी पूरी प्रक्रिया जो है ये ऑनलाइन चलेगी, ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होगा, कोई ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक। और इसके बाद दूसरा मैंने चर्चा किया कि रैंक कार्ड, रैंक जारी हो चुका है, जो कि आप जाके वेबसाइट पे चेक कर लीजिए, रैंक जारी हो चुका है, ठीक। उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट्स को लेकर बात किया कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेंगे, ठीक, इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है। उसके बाद काउंसलिंग का शेड्यूल 16 जुलाई को, 16 जुलाई को पता चलेगा कि आपका काउंसलिंग कब होगा, कैसे होगा, ये सभी अपलोड वेबसाइट पर कर दिया जाएगा। उसके बाद मैंने बताया कि काउंसलिंग कब से होगी, 18 से लेकर 21 जुलाई के बीच होगी, और टाइमिंग क्या होती है, उसका टाइमिंग क्या होता है, 9:30 बजे, क्या होता है, 9:30 बजे सुबह में आपकी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद मैंने स्थान भी बताया कि स्थान कहाँ होती है, तो स्थान आपका जुबली हॉल, जो कि LNMU के कैंपस में है, LNMU, जुबली हॉल, LNMU, ठीक, LNMU, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। तो इस प्रकार आप, मैंने जितने भी डाउट हैं मैंने बताने की कोशिश किया। अगर कहीं भी अगर आपको डाउट, अगर कोई प्रश्न छूटता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे पूछ सकते हैं, तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने शरीर पर ध्यान जरूर रखिए। जय हिंद साथियों।